तो लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया गया। सदन में नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, सरकार कुछ तथ्य नहीं छिपा रही है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर गड़बड़ी जरूर हुई है, ये भी उन्हें स्वीकार किया है। पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार, अखिलेश यादव ये विपक्ष की तरफ से तीखे हमले करते हुए नजर आए। नीट के विषय पर सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, नीट परीक्षा लाखों बच्चों से जुड़ा विषय है। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। तो देखिए इस बार भी सदन जो है हंगामेदार रहा है। नीट परीक्षा जो हुई उसमें जो पेपर लीक हुए उसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष सवाल खड़े करते हुए नजर आई है। इशू अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, यह सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम यह कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री दैट देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ नीट, इट इज इन ऑल द मेजर एग्जामिनेशन। नाउ द मिनिस्टर हैज ब्लेम्ड एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, राइट? आई डोंट इवन थिंक ही अंडरस्टैंड्स द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर, ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं, ये द इशू इज दैट देर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री हु आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड एट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हु आर कन्विंस्ड दैट द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ए फ्रॉड। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे, लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं, सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर है।